यूपीपीसीएस परीक्षा प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे पास करना आसान नहीं होता। इस परीक्षा की तैयारी लोग सालों साल तक करते हैं, फिर भी कई बार सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में आज टॉपर से जानेंगे इस परीक्षा के लिए आपको कितने देर तक पढ़ना चाहिए। 10-12 घंटे तो पढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉब में भी था मैं, तो मेरी पढ़ाई मैक्सिमम 3-4 घंटे ही हो पाती थी पूरा समय निकाल के। हाँ, ये है कि 2021 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद समीक्षा अधिकारी के चयन मतलब नियुक्ति होने में 2-2.5 साल का गैप था। इस दौरान थोड़ा समय ज़्यादा दिया गया है और उसी का असर है शायद कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ है। मेरा मानना है कि शुरुआत में अगर आप 4 से 5 महीने अच्छा समय दे देते हैं, एक बार बेसिक बुक्स सारी तैयार कर लेते हैं और अपने नोट्स बना लेते हैं, एक बेसिक तैयारी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर जैसा मतलब दे सकें, जितना मैक्सिमम समय दें उतना ही अच्छा है। मैं पर्सनली, मुझे लगता है 4 से 5 घंटे प्रतिदिन दे पाता था नौकरी के बाद में, और मुझे लगता है उतना सफिशियंट है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रख रहे हैं, और जो भी फैक्टर्स हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि PCS का सिलेक्शन सिर्फ जानकारी पे बेस्ड नहीं है, आप जो जानते हैं उसको कितना अच्छे से अपने मेंस की कॉपी पे उकेरते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग मेंस UPPCS के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से करें। और मेरा प्रयास था कि मैं लगातार, चूँकि लिखता भी रहा हूँ मेंस, इंटरव्यू भी देता रहा हूँ, तो धीरे धीरे मतलब अच्छी हो गई लेखन शैली, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। कम पढ़ाई में अगर सिलेक्शन हुआ तो उसका बहुत बड़ा रोल आंसर राइटिंग पे था मेरे। मैम, चूँकि मेरा फुल टाइम प्रिपरेशन था और ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ और कर रही थी, फिर भी मैं 12-13 घंटे नहीं पढ़ती थी, मैं 10 घंटे पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम पास आते थे तो हो जाता था थोड़ा ज़्यादा कि चलो 12 घंटे, मुझे लगता है मेरा मैक्स 12 घंटे गया होगा, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं दे सकती, बिकॉज 12 घंटे में भी बीच बीच में ब्रेक करना होता है कि 3 घंटे का एक स्लॉट है, 3 घंटे का एक स्लॉट है, फिर आपको बीच में ब्रेक लेना है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी। मैंने वही फॉलो किया, और शायद किसी को ज़्यादा लगते भी हैं, लोग की आदत भी होती, पर मुझे इतने में सफिशिएंट था मेरे लिए ये ब्रेक लेना। और सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स का भी टाइम था मेरे टाइम टेबल में, कि रात में सोते टाइम मुझे चलाना है 1 घंटा फ़ोन, तो मैं उसका टाइम रखती थी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो पड़ते टाइम पे कि मेरे को ये टाइम मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स के लिए भी सेम है कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मिलूंगी, ऐसा नहीं कि मैंने कम्प्लीटली कट ऑफ किया हुआ था। फ्रेंड्स थे इनफैक्ट मेरी जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट, मोरल सपोर्ट के लिए वहाँ पर वो थे। कुल मिलाकर तैयारी शुरू करते वक्त आपको रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ना काफी है। घंटे से भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी पढ़ाई में कितने निरंतर हैं और इस दौरान पढ़ते क्या हैं। इसके लिए आपका सिलेबस, मार्क टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न पत्र काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ समय अपने अभ्यास और रिविजन के लिए जरूर रखें।